आई होप सबने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था सबने रिवाइज किया होगा उसको। देखो, कल पढ़ा था आपने रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो हम लोग ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। देखो समझे, मान लो तुम्हारे कोई रिएक्शन है, ऐसा है N1A प्लस N2B और ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। N1A प्लस N2B और ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये मान लो कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। सो अगर हम लोग इसका रेट लिखेंगे, इस रिएक्शन का जब आप रेट लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? के ए की कंसंट्रेशन का पावर N1 एंड बी की कंसंट्रेशन का पावर N2। देखो ध्यान से, रेट इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन का पावर N1 और बी के कंसंट्रेशन का पावर N2। हम लोग ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखा करते थे, 11th क्लास जब पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम तब ऐसा लिखा था हम लोगों ने, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है उसके पावर जो कोफिशियंट होता है वो चला जाता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हमने लिखा था। तो अगर अपने को ऑर्डर डिफाइंड करना होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है N1 प्लस N2। मतलब जो कंसंट्रेशन का पावर होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जो कंसंट्रेशन का पावर होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है इसको देखो ध्यान से, ये जो हमने टर्म लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ, इसको बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो जो उसका कोफिशियंट होगा वही ऑर्डर होगा। ये वाला ये पॉइंट है, पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां पर एक रिएक्शन लिखता हूं N2O4 2NO2, मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, तो अपने को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को रिएक्टेंट से मतलब है। और रिएक्टेंट का कोफिशियंट कितना है? 1 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 1 आया तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 आया तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 आया तो बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन,
ठीक है। चलो इतना लिखो, तुम लोग इतना लिखो, फिर आगे बताता हूं। हो गया सर, हो गया। चलो सबको समझ गया, डन। चलो ओके गुड। चलो ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया जो कोफिशियंट होता है। गुड गुड गुड। चलो आगे देखो, अब यहां पे, हाँ यहां पे एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है समझने का। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोफिशियंट वन है, मान लो मैं दूसरा रिएक्शन लिखता हूं, दूसरा मान लो लिखता हूं एच टू प्लस आई टू और ए आ जाएगा टू एच आई, ठीक है। अब एक क्या होना चाहिए ऑर्डर इसका, टू होना चाहिए था सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि देखो इसका कोफिशियंट वन है और इसका कोफिशियंट वन है, तो इसका ऑर्डर होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब जब तक आप एक्सपेरिमेंटली डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। समझना जब मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को, जब तक आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं गिवन होगा तब तक आप नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिसाइडेड थियोरेटिकली, इट विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट। तो अगर एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए कि ये आपको दिख रहा है कि सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन हो सकता है कि इस अलग हो जाए, ये तो थियोरेटिकली है ना, ये जो हमने रिएक्शन लिखा है इसको तो हमने अकॉर्डिंग टू थियोरी बैलेंस किया है। बट जब आप प्रैक्टिकली बात करोगे तो इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, and whenever it may be different from this, that will be the real order of reaction. That means the order of reaction is an experimental factor. आप यहाँ point देके लिखिए, ऐसा star देके लिखने का, point देके लिखो, लिखिए the order of reaction. The order of reaction is an experimental factor. Order of reaction is an experimental factor. Hence, it can be zero. It can be zero, negative, fraction. It can be zero, negative, fraction, and 1, 2, 3, 4. मतलब जो रियल नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसा। इसको लिखा रहेगा, केमिस्ट्री का बुक पढ़ोगे तो होल नंबर लिखा रहेगा, वैसे होल नंबर का डेफिनेशन अलग होता है मैथ के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको लिखा रहेगा होल नंबर। फिर से रिपीट करता है मैं, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिसाइडेड थ्योरेटिकली,
इट विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट। तो सपोज कीजिए कि आपको ये रिएक्शन गिवन है, तो आप सर्टेनली नहीं बोल सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड आएगा। इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 0.5 हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन और होल नंबर। होल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 जो है तुम्हारा। क्लियर? ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से एग्जांपल समझते हैं, जीरो ऑर्डर कौन सा होगा, कैसे जीरो ऑर्डर हम लोग डिफाइंड करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, समझो। जीरो ऑर्डर मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि ए और बी प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जब तुम रेट लिखोगे तो के ऐसा आएगा। ये जीरो ऑर्डर कब होगा, जीरो ऑर्डर तब होगा ना जब इसका पावर जीरो होगा। बोलो, डेफिनेशन यही पढ़ा था हम लोगों ने, इसका पावर जीरो होगा। अब इसका पावर जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वन हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको बोलेंगे जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो लिखो, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ आ गई बात? जीरो कंसंट्रेशन ऑफ रेट रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके सर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या आएगा। यहां तक सबको क्लियर है ना कि जीरो ऑर्डर में रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। पहले बताओ, ये क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फ्रैक्शनल होता है, नेगेटिव होता है, होल नंबर होता है? ठीक है, गुड। अब मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं जीरो ऑर्डर का। वेरी गुड। ठीक है, देखो आगे। अब एग्जांपल बताता हूं, समझिए। देखो, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। बोलो,
तो लाइट पे डिपेंड करेगा ना, वो तो लाइट ऑफ लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा ना, बोलो। फोटो केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हेलो, फोटो केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, फोटो केमिकल रिएक्शन लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर लिख लो, फोटो केमिकल रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर? बताते जाने का, जहां पे नहीं समझेगा। जहां पे नहीं समझा वहां पे बताते जाने का, मेरे को नहीं समझा मैं दोबारा बताएगा। चलो देखो आगे, ये हो गया जीरो ऑर्डर। इसके बाद बात करो नेगेटिव ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, इसका एग्जांपल लिख लो। एक ही एग्जांपल होता है पूरे केमिस्ट्री में, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन का हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही होता है, बाकी तो हायर लेवल पे जाएंगे तो दूसरा मिलेगा तुमको। लिख लो, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन O3, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन O3 डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन O3 ये नेगेटिव ऑर्डर का एग्जाम्पल है। चलिए बाकी फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर तो बहुत सारे मिलते रहेंगे अपने को, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समझेगा। अब देखो यहां पर एक पॉइंट समझो, तुम अच्छे तरीके से समझो क्या है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, जैसे तुम्हारे 12th बोर्ड में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। इसके बाद थोड़ा सा अगर जेई और नीट में जाओगे तो न्यूमेरिकल्स के उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो एक दो सवाल मैं सॉल्व करता हूं, फिर तुम लोग सॉल्व करना। क्या डाउट है आदित्य को? अरे यू कैन टेल मी, टेल ना Aditya, if you have a doubt, okay. Okay, so his doubt is cleared. Okay. चलो देखो, अब इसको प्रॉब्लम क्या है लिखे, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। प्रॉब्लम है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन 2A plus B A2B, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है 2A plus B A2B। अब यहां पर क्या दिया है समझो, यहां पर दिया कंसेंट्रेशन ऑफ A दे दिया कंसेंट्रेशन ऑफ B और A दे दिया रेट। कंसेंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी और यहां पर क्या दे दिया, रेट दे दिया 0.1 2 × 10⁻⁴, 0.2 0.1 4 × 10⁻⁴,
0.48 इंटू 10^-4. These are the experimental data given to you. These are the experimental data given to you. This is the concentration of A. And these are the concentration of B. And these are the rate of reaction. Concentration जब change होगा तो rate of reaction change होगा, obvious है. So with the help of this data you have to calculate order of reaction. मैंने बोला था कि order experimental होता है. तो समझना, अच्छे तरीके से समझना. और second question दूंगा तो तुम लोग solve करना. देखो, अगर तुम ऊपर का रिएक्शन देख रहे हो तो इट शुड बी थर्ड ऑर्डर, क्योंकि दो यहां पर है और एक यहां पर है, तो इट शुड बी थर्ड ऑर्डर. ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही होगा. मैंने आपको शुरू में बताया था कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, सो इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस रिएक्शन. ठीक है, अब देखो समझो, मैं क्या करता हूं, ए का ऑर्डर एक्स मान लेता हूं और बी का ऑर्डर वाई मान लेता हूं. तो एक इक्वेशन बना लेते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई. ए का ऑर्डर एक्स मान लो, बी का ऑर्डर वाई मान लो, तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई. आप देखो, तुम्हारे पास तीन रेट गिवन है, तीनों का बारी बारी से इक्वेशन बना लो. पहला इक्वेशन बनाओ, 2 × 10^-4 के 0.1 का एक्स, 0.1 का वाई. इक्वेशन वन, 4 × 10^-4 के 0.2x, 0.1y. Equation 2. 8 × 10^-4 k. 0. Equation 3. 3 equation बन गया. अब किसी दो को एक साथ ले लो. ऐसे जैसे मान लो कि मैं फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूं, तो यहां पर y की वैल्यू इक्वल है, तो यहां से मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, 1/2 कर दूंगा. देखो समझो, 1/2 जब करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा तुम्हारे पास, 2 × 10^-4 / 4 × 10^-4. तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना. बोलो, इसको डिवाइड करो 1/2, और यहां क्या बचेगा, 1/2 का पावर x. देख लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है, 1/2 का पावर x. अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. सर हाँ बोलो, तो y का वैल्यू, y का फाइंड आउट करेंगे ना, x का आ गया ना 1. बोलो, यहां तक समझ गया. अब y का अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो देखो समझो, y कहां पर अलग अलग है. देखो डिफरेंट कहां है, y फर्स्ट एंड थर्ड. देखो ध्यान से, फर्स्ट एंड थर्ड में y अलग है और x इक्वल है. देखो ध्यान से, तो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड. अब जब फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करोगे
कॉस्ट को थर्ड से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, 1/4 आएगा। और ये क्या आएगा, देखो x तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 का y, है ना। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। This implies y is equal to 1. अब ऑर्डर क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया x प्लस y, और x प्लस y कितना आ गया 2, तो ये रिएक्शन हो गया तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर। नोट डाउन कीजिए, और किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ लो। समझ आ गई बात। अब देखो समझो, यहां पे अगर देखोगे तो रिएक्शन क्या दिख रहा था बोलो, थर्ड ऑर्डर दिख रहा था, लेकिन यहां पर क्या निकला, सेकेंड ऑर्डर। वन बाय टू बेसिक मैथमेटिक्स है, तो देखो 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 जब बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल होता है, ये 9th-10th में पढ़ा होगा, 8th-9th-10th में, जब बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल होता है, दोनों का बेस क्या है 1/2, तो पावर भी इक्वल होगा, तो यहां पर क्या आएगा, पावर 1 ही तो आएगा जब कुछ नहीं है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। इसी तरीके से 1/4 और 1/4 बेस इक्वल है तो पावर 1 आएगा ना, तो y का वैल्यू 1। ओके गुड, यहां तक सबको क्लियर है, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, कॉन्फर्मेशन करो मैसेज पे। गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड गुड। गुड वेरी गुड, चलिए समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। गुड, ठीक है समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का सवाल है, बिल्कुल सेम टाइप का है, आप इसको सॉल्व करके बताइए।
मैं इधर लिख रहा हूं सवाल, रिएक्शन है आपको, सेम रिएक्शन है 2a प्लस बी टू ऐसा है, मतलब थोड़ा सा 2a प्लस बी टू और a बना 2ab। यहां पर a, a हो गया b और a हो गया रेट। a का वैल्यू दिया 0.50, b का वैल्यू दिया 0.5, 1.6 × 10⁻⁴। दूसरा में है 0.50 और ये हो गया 1, ये दे दिया 3.2 × 10⁻⁴, ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, ये हो गया 3.2 × 10⁻⁴। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके सर, हाँ कैमरा थोड़ा सा ऊपर लो ना, अभी दिख रहा है? हाँ जीरो पॉइंट फाइव जीरो क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब सॉल्व करके आंसर बताइए। आंसर को मैसेज में लिख के भेजो। विक्रम यादव, ऑर्डर 3 नहीं आएगा, थोड़ा सा गलत है। मोहन गुप्ता, 2 नहीं आएगा आंसर, ना ना। सुरेंद्र, नहीं आएगा 2। खुशी पांडे, गलत है, ऑर्डर 3 नहीं आएगा। थोड़ा सा और ट्राई करो एक बार और। विक्रम यादव, नहीं नहीं छोटे, 1.5 नहीं आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू बताओ ना क्या आता है। शुभम निषाद, ना 4 नहीं आएगा छोटे। विक्रम यादव,
एक्स का वैल्यू 1 आएगा, बराबर है। पैज चलो देखो मैं सॉल्व करता है, आप लोग मैच कीजिएगा, हो सकता है बहुत लोगों का करेक्ट हो। सर हाँ बोलो। जी सर, ये मीटिंग का टाइम एक्चुअली खत्म होने वाला है, 40 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं एक अच्छा सॉरी, आप मैं भी लिंक से ठीक है ओके ठीक है ओके।